बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है आलू बैंगन की सब्ज़ी। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, उसमें 250 ग्राम्स बैंगन है जिनको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है, 250 ग्राम्स आलू हैं इनको भी क्यूब्स में कट कर लिया है, 1 अनियन है स्लाइसेस में कट कर लिया है, 1 टमाटो क्यूब्स में कट कर लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक है जिसको चॉप कर लिया है, 5 ग्रीन चिलीज हैं। इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है, 1/2 कप वाटर और 4 टेबलस्पून ऑयल की ज़रूरत है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे उसको। उसमें हम 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, और इसमें अपने स्लाइस अनियन डाल के इनको लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखें, ये लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें टमाटोज और गार्लिक शामिल कर दें। को हल्का सा सौते करके तमाम स्पाइसेस शामिल कर दें इसमें। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालें। अब इसमें अपनी वेजिटेबल्स शामिल कर लें। ग्रीन चिल्ली भी डाल दें। इसको अच्छी तरह से भून लें। ये देखें, ये अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसमें पानी डाल के इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो गल जाएं। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, वेजिटेबल्स हमारी अच्छी से गल गई हैं। ऑयल ऊपर आने लग गया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपनी सब्ज़ी को डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, अपनी सब्ज़ी को हमने डिश आउट कर लिया है। हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी है।